नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे न्यूज। मैं हूं आपके साथ फान्या देवांगन। कांकेर जिला के ग्राम तालाकुर्रा में आयोजित श्रीमद् भागवत महापुराण कथा ज्ञान सत्संग समारोह में संगीतमय भक्ति में डूबे लोग, स्वर्गवास श्रीमती रामूला बाई, स्वर्गवास श्री झंगूर राम साहू, स्वर्गवास श्री सुनहेर साहू के स्मृति में 10 दिसंबर से 18 दिसंबर तक आयोजित यह कार्यक्रम में बड़ी संख्या में भक्तजन तालाकुर्रा में पहुंचकर श्रीमद् भागवत गीता के रसपान कर रहे हैं। गांव में हो रही श्रीमद् भागवत गीता की इस कथा से ग्रामीणों में भी काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। इस 8 दिन के कार्यक्रम में सती चरित्र, अजामिल चरित्र, 16108 रानियों के साथ समुद्र मंथन, कृष्ण लीला जैसे चरित्रों की कथावाचक किया जाएगा। कथा के माध्यम से हम युवाओं को यही बताना चाहते हैं कि हम अपने वर्तमान को सुधारेंगे तभी हमारा भविष्य सुधरेगा। और युवाओं जो आज नशाखोरी के ऊपर जा रहे हैं, वे सत्संग से जुड़े, आध्यात्म से जुड़े, अगर ईश्वर से जुड़ कर रहेंगे, कुल देवी देवताओं से जुड़ कर रहेंगे, अपने समाज में जो सामाजिक मीटिंग होता है उसमें सहभागी ले, आना जाना करे, और नई पीढ़ी को देखते हुए आज इस कंप्यूटर युग के ज़माना में, टेक्नोलॉजी के ज़माना में, हर युवक को मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि अपने वर्तमान को सुधारे, और वर्तमान को सुधारेंगे तभी हमारा भविष्य सुधरेगा। और अगर हम वर्तमान ही नहीं सुधारेंगे तो भविष्य हमारा नहीं सुधरेगा। इसके लिए अध्यात्म से जुड़े, सत्संग से जुड़े, और समाज में जो पदाधिकारी बैठे हुए हैं उन लोगों के साथ उठना बैठना और सामाजिक कार्य में सहभागी लें, अपने आप को व्यस्त रखेंगे। युवा माता पिता की सेवा में, परिवार की सेवा में, समाज की सेवा में, गांव की सेवा में, तो एक निश्चित तौर पर नशा से उसे छुटकारा मिलेंगे और अपने मन पर काबू रखे हैं, है ना? जैसे आप लगातार जा रहे हैं, हाँ, क्या उद्देश्य है? मेरा उद्देश्य है भागवत के माध्यम से बिखरे परिवार को जोड़ना। आज परिवार बिखर रहा है, बुजुर्ग माता पिता को लोग तिरस्कार कर रहे हैं, और बुजुर्ग माता पिता हमारे जो है आधार हैं, उन्हीं के कृपा से हमने इतना बड़े हुए, शिक्षा दीक्षा पाए। इसलिए मैं यही कहना चाहता हूँ कि अपने परिवार के बीच में रहें, समाज के बीच में रहें। परिवार जो बिखरे हुए हैं उसको ही जोड़ना मेरे कथा का उद्देश्य है, और मेरी भागवत कथा सामाजिक, धार्मिक, पारिवारिक इन्हीं की अंतर्गत पूरा चलता है। तालाकुरा के जनता धर्म प्रिय हैं, और धर्म से सभी यहाँ के आदिवासी भाई लोग भी धर्म से जुड़े हुए हैं, दंतेश्वरी के मंदिर बनाए हुए हैं, और सभी समाज एक दूसरे को सहयोग करते हुए रहते हैं, क्योंकि इस गांव में मेरी भगवत कथा का ये तीसरा जो है कथा है, तो यहाँ के लोगों को से बड़ा प्रेम है और धर्म प्रेमी है। धर्म परिवर्तन यहाँ नहीं हुआ है, धर्म से जुड़े हुए लोग हैं, और धर्म परिवर्तन जहाँ होता है वहाँ भी मैं जाता हूँ और लोगों को अपने अपने धर्म को मानने के लिए कहता हूँ।